नमस्ते टू ऑल। कैसे आप सब? खुश, बढ़िया, हेल्दी? खुश रहिए, हेल्दी रहिए। देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको समझाऊंगी, अब एल्टीग्रेड की जो बुक आई थी सुधीर के अरोरा की, यहाँ से कुछ क्वेश्चन समझेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट विलियम शेक्सपियर के, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफरेंस है एल्टीग्रेड वाले में और जो इनके अब टीजीटी पीजीटी का ये बुक में डिफरेंसेस है। पर हाँ, अगर देखा जाए तो जो एल्टीग्रेड की इनकी बुक आई थी, जिसने भी ये बुक को पढ़ लिया होगा सही से ठीक से, उसके कहीं ना कहीं नंबर जो है बहुत अच्छे मार्क ऑब्टेन उसने कर लिए होंगे, जिसने भी सही से पढ़ लिया होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी बुक से बन गए थे इजीली, कुछ भी बाहर से नहीं था इस बुक के अलावा। तो एक अच्छी खासी बुक, एक अच्छा खासा इस बुक का रेस्पॉन्स मिला। और मेन जो है यही बुक थी जहाँ से सुधीर कुमार जो है हाईलाइट हुए, कि सुधीर कुमार की जो बुक्स हैं आज एक बहुत अच्छी वैल्यू इनकी बुक्स की मानी जाती है, बहुत ट्रस्टेड बुक ये मानी जाती है। तो यहीं से देखेंगे, समझेंगे विलियम शेक्सपियर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाउ मैनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट, विलियम शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं। तो सीधा सा आंसर इसका 37 है, जिसमें कि 10 जो है, अगर हिस्टोरिकल प्लेज आपसे पूछा जाए कि विलियम शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल प्लेज कितने लिखे हैं ऐतिहासिक, तो वो 10 हैं, उनकी संख्या 10 है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि सीधा सीधा आपसे पूछा है कि प्ले कितने लिखे हैं, सिंपल प्ले बताइए कितने लिखे, टोटल 37 उन्होंने लिखे। अगर इसके सामने हिस्टोरिकल प्ले या हिस्ट्री प्ले कितने लिखे हैं विलियम शेक्सपियर ने, तो आपको 10 पर आंसर करना होगा, वहाँ पर ऑप्शन में आपके 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक इज रेफर टू शेक्सपियर बाय, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, विलियम शेक्सपियर के जो कंटेम्प्रेरी थे, इनके एडमायरर जो थे बेन जॉनसन ने इनको कहा है। स्ट्रेटफोर्ड इज चार्मिंग लिटिल ब्लेज इन, कहाँ पर है स्ट्रेटफोर्ड जो एक ब्लेज है, कहाँ पर है, वार्विकशायर में। ये क्वेश्चन हमने कई बार देख लिया, एक्सप्लेन कर लिया, आपको याद भी हो गए होंगे, मेरे हिसाब से तो रट जानी चाहिए, रट गए होंगे बिल्कुल पक्के वाले, बढ़िया वाले। तो अब इनको ये है कि जल्दी जल्दी इसमें से देख लेते हैं कि आपके नोट्स में ये कहीं ना कहीं शामिल तो होंगे, कि अगर आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर ये क्वेश्चन होंगे। तो सेलेक्ट करना है सिर्फ हमें बुक में से कि जो दो बुक हो रही है एस के अरोरा की, इन्होंने किस एल्टीग्रेड के एग्ज़ाम में इन्होंने विलियम शेक्सपियर को कैसे क्वेश्चन रखे हैं, कौन कौन से रखे हैं, और जो अब है पीजीटी का टीजीटी का वो हम पढ़ चुके हैं, वहाँ पर कैसे क्वेश्चन, तो एक कंपेरिजन सा हो जाएगा और सेलेक्ट हो जाएगा दोनों बुक्स के अकॉर्डिंग, इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है सेलेक्ट हो जाएंगे आपके पास। तो ये कहीं ना कहीं एक बेनिफिट जो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन शेक्सपियर ट्रेजेडी द डोमिनेंट नोट, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी है क्या एक डोमिनेंट नोट देती हैं, क्या कहते हैं एक चीज़ को नोट, क्या देना मुख्य है, किस बात पर डिपेंड ज़्यादा करती है, किस बात के बारे में ज़्यादा बताती है। तो उनका मानना यही कि कैरेक्टर इज डेस्टनी, उन्होंने कैरेक्टर को डेस्टनी जो माना है। ये भी क्वेश्चन जो सारे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन, ये तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है आने वाले क्वेश्चंस हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड, कौन सा वर्क माना जाता है, कौन सा प्ले विलियम शेक्सपियर का अनफिनिश्ड यानी कि कंप्लीट नहीं है, अधूरा है माना जाता, जो अधूरे माने गए हैं वो कौन सा है, हेनरी एट एंड पॉसिबली द लॉस्ट कार्डिनियो। कई बार दोनों में से कोई एक भी नाम आ जाता है और कई बार सिर्फ एक, कोई सा भी एक आ जाता है, कई बार दोनों दे दिए, या तो पर दोनों ही दे दिए हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि कौन सा है। बाकी आपको हेनरी जो एट है याद करना होगा और कार्डिनियो दोनों ही याद रखने होंगे। बाकी हेमलेट आपका पढ़ा हुआ रहता है, किंग लियर, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड, ये सब आपके इंपॉर्टेंट इस बार। हेनरी जो हेनरी की सीरीज जो बन रही है, हेनरी फोर्थ वाली जो, ये हेनरी के जो है ना सारे हेनरी वाले, इस पे एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं जहाँ तक मेरे हिसाब से आना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इस बार ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स में है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि फर्स्ट फोलियोज में ऑफ शेक्सपियर प्ले केम इन 1623 में आया, सारी चीज़ें इन्होंने यहीं पर पूछी। एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू टू एक्टर, जो इनके टू एक्टर जो इनके दोस्त भी थे, दो एक्टर्स भी थे इनके साथ के, हेमिंग एंड कॉन्डेल को जाता है, जिन्होंने फर्स्ट फोलियो जो है ये दिया, बनाया। द फोलियो कंटेन 36 प्ले थे, फोलियो में, फर्स्ट फोलियो में 36 प्ले थे। वन प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड, एक प्ले नहीं जो है इंक्लूड किया गया था, कौन सा था, वो था पेरिसेल्स।
अब यहाँ पर तो इन्होंने एक लंबा सा क्वेश्चन दिया गया, लेकिन जो अब दिया जाता है क्वेश्चन, एक वर्ड लिख दिया जाता है ओमिटेड, कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज ओमिटेड इन फर्स्ट फोलियो, एक सीधा सा वर्ड कि कौन सा जो है शामिल नहीं किया गया है, तो वो पेरिसल से जो फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया, अदरवाइज तीनों जो हैं फर्स्ट फोलियो में हैं। इन ए वर्ड ही इज द यूनिवर्सल पोइट, दिस इज द ओपिनियन ऑफ लॉन्ग, मीन्स यूनिवर्सल पोइट जो है विलियम शेक्सपियर को किसने कहा, लॉन्ग ने कहा है शेक्सपियर को। टू स्टडी नेचर इन हिज वर्क्स इज लाइक एक्सप्लोरिंग न्यू एंड ब्यूटिफुल कंट्री, हु सेड इट अबाउट शेक्सपियर, शेक्सपियर के बारे में ये लाइन किसने कही है, लॉन्ग ने कही है। ये लाइन इतनी वैसे ज़्यादा आती नहीं है, यहाँ ही दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु पब्लिश्ड द फर्स्ट लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709, लाइफ ऑफ शेक्सपियर जो वर्क जो है किसने पब्लिश किया था, निकोलस रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अटैक्ड शेक्सपियर इन ए पैम्फलेट कॉल्ड ए ग्रोट्स वर्थ, ये सबसे ज़्यादा आता है क्वेश्चन, ग्रोट वर्ड्स ऑफ विट वो विद ए मिलियन ऑफ रिपीटेंस, ये किसने कही है, तो रॉबर्ट ग्रीन ने ये लाइन कही है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ग्लोवर एंड ब्लैक फ्रायर्स आर द नेम्स ऑफ थिएटर विच आर एसोसिएट विद, ग्लोवर एंड ब्लैक फ्रायर्स जो हैं थिएटर्स थे, शेक्सपियर से संबंधित हैं ये। ग्लोब के बारे में एक आध क्वेश्चन आता है कि कभी जला कभी ये बना, किसके जो किसके काल में ये बना था, सारे क्वेश्चन हम इसको एक अलग से इस चीज़ को ग्लोब को ब्लैक फ्रायर्स जो इनको अलग से पढ़ेंगे, ये टॉपिक भी ज़रूरी है कि एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है स्पेशली। इट इज़ सेड दैट हेनरी एट इज़ ए वर्क ऑफ फ्लेचर एंड, ये कहा जाता है कि जो हेनरी एट जो प्ले है ये किसका, फ्लेचर जो ऑथर रहे हैं और शेक्सपियर दोनों का माना जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर की कंटेम्प्रेरी कौन थे, तो बेन जॉनसन। यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अदर सवाइड अवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री अबाउट हुम डिड मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है, किसके लिए, विलियम शेक्सपियर के लिए। यहाँ पर तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया कि ये लाइन मैथ्यू अर्नोल्ड की, लेकिन ज़्यादातर जो आती है ये अदर्स अवॉइड अवर क्वेश्चन द वर्ड फ्री, ये लाइन किसने कही है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड का नाम उसमें ऑप्शन में मैथ्यू अर्नोल्ड हो ज़्यादा होता है, शेक्सपियर जो है कम ही होता है। और ओवरऑल एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनाज लिप इज नॉट मॉरिसमोथ एंड रबिश, द स्मेल पाइप इज एज द मेडेंस ऑर्गेंशल एंड साउंड हुज पर्सनैलिटी इज बींग रिफर्ड, यहाँ ये जो लाइन है कि डायना की जैसे लिप हैं मोर स्मूथ एंड रवियश हैं, ये लाइन जो है किसके लिए कही, तो वॉयला जो है 12th Night की हीरोइन, उसके लिए ये लाइनें उसकी तारीफ में ये लाइनें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकबेथ हैमलेट किंग लियर एंड एथेलो आर शेक्सपियर के ये क्या हैं, तो ये ग्रेट ट्रेजेडी है। हैमलेट, अगर आप हैमलेट मैकबेथ तो ज़्यादातर पढ़ा ही है आपने, अगर मान लो किंग लियर ओथेलो भी आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हैमलेट भी अगर हैमलेट तो पढ़ते ही हैं, हैमलेट तो कोई छोड़ता ही नहीं, स्किप करता ही नहीं, इसकी स्टोरी इसके कैरेक्टर तो कोई छोड़ता ही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात आपने पढ़ा हुआ होगा, तो हैमलेट से ही समझ जाना चाहिए कि एक ट्रेजेडी है, क्योंकि इसमें भी हीरो मर जाता है, तो जब चारों साथ दी तो ये ट्रेजेडी है तो ये भी ट्रेजेडी होंगी, तो एक आसान सा क्वेश्चन हो जाता है, भले आप ओथेलो को ना पढ़ते हो किंग लियर को ना पढ़ते हो, लेकिन मैकबेथ हैमलेट आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा अच्छे से, इतना मुझे लगता है कि हाँ। विच इज़ द स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, स्वान सॉन्ग कौन सा माना जाता है, तो द टेम्पेस्ट जो है एक स्वान सॉन्ग माना जाता है विलियम शेक्सपियर का। जूलियस सीजन एंड एंटोनियो क्लियोपेट्रा आर रोमन प्लेज, रोमन प्ले हैं ये। देर इज़ वन ऑफ मोर रोमन प्ले रिटन बाय शेक्सपियर, फाइंड इट आउट, ये दोनों रोमन प्ले हैं, एक और है तो वो कौन सा है, वो है कोरिओलिस जो है इनका, विलियम शेक्सपियर का, ये भी एक रोमन प्ले है जो रोमन हिस्ट्री पर बिब्लिकल माइथोलॉजी पर आधारित है। ए क्रिटिक हैज डिवाइडेड शेक्सपियर्स कैरियर सिंबलिकल एज द कंट्री माउस, एक क्रिटिक हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर के करियर को डिवाइड किया है, मतलब जैसे द कंट्री माउस, द स्कूल ऑफ लव, द गार्डन ऑफ इडन, द अनविडेड गार्डन, द डार्क टावर, रोड टू, ये जो किसने किया है, डोनाल्ड ए स्टफर, इतना वैसे ज़्यादा खास क्वेश्चन ये नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन, हु रोट शेक्सपियर कॉमेडी,
1938 में जी किसने लिखी है शेक्सपियर कॉमेडी एंड शेक्सपियर ट्रेजेडी 1948 में जो आई थी वो किसके लिखी है, तो एच बी चैरल्टन। अच्छा क्वेश्चन है, डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर फेम व्हाट नीडेस्ट दाउ सच बीक विटनेस ऑफ दाई नेम स्वीटर शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। इतनी लाइन भले ही ना है पर ये लाइन जो है ज़्यादातर आती है, पूछी जाती है। विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कही, तो जॉन मिल्टन की ये लाइन है। एक अच्छा खासा क्वेश्चन, सारे दिन पे टिक किया हुआ है, सारे जो है अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले क्वेश्चन, आते हुए क्वेश्चन है, सारे जो है किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, जो टिक्ड क्वेश्चन है मेरे इस बुक के, जो बुक है। ऑर्सिनो इन ट्वेल्थ नाइट इज द ड्यूक ऑफ, ऑर्सिनो जो है ट्वेल्थ नाइट का जो एक हीरो की तरह ही है, हीरो भी नहीं है हीरो ही है, तो ये इलीरिया का जो है ड्यूक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 41, सिजोरियो इज द नेम अडॉप्टेड बाय कैरेक्टर डिस्गाइज आइडेंटिफाई हिम और हर। सिजोरियो एक जो है, जो हीरोइन है प्ले की वॉयला, वो लड़के के रूप में घूम रही है प्ले के अंदर, और सिजोरियो उसने नाम रखा हुआ है, तो ये वॉयला है कैरेक्टर जिसने सिजोरियो नाम से घूम रही है, डिस्गाइज यानी कि भेष बदल कर जो घूम रही है। मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज दिस इज अटर बाय फिस्टे नेम द प्ले। फिस्टे ने ये लाइन किसने कही है, ट्वेल्थ नाइट, और फिस्टे भी एक बहुत अच्छा जो है कैरेक्टर, पूछा जाता है कि किसका कैरेक्टर है, सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। ओ यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव बहुत फेमस लाइन है, एक अच्छी खासी लाइन है। मालवेल्यू एंड टेस्ट विद डिस्टेम्पर एपटाइट हु स्पीक दिस अबाउट मालवेल्यू किस, तो कौन कहता है, तो ये जो लाइन है ये बहुत ही फेमस ओलिविया की लाइन है जो उन्होंने मालवेल्यू के लिए उसके लिए कही है। 45 प्रेजेंट मर्थ है प्रेजेंट लाफ्टर वॉज टू कम इज स्टिल अनश्योर हु अटर्स दिस लाइन, ये लाइन किसने कही है, तो फिस्टे ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर है। यूथ्स स्टफ विल नॉट एंड्योर दिस इज फ्रॉम द माउथ ऑफ, ये लाइन भी किसके, फिस्टे, और किसका, ट्वेल्थ नाइट का ये कैरेक्टर है। सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ट्वेल्थ नाइट का, कि सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन। मालवेल्यू द स्टूअर्ट टू एलिविया रीच दिस इन ए लेटर फॉर फॉर्ज्ड बाय मारिया इन विच प्ले डज मालवेल्यू, सीधे सीधे आपके ये लाइनें सीधे आपसे ऐसे ही पूछी जाती है, चाहे कितने ही लंबे पैराग्राफ में पूछ कहीं दे दी जाए आपको, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि ये लाइनें जो हैं ट्वेल्थ नाइट की लाइनें हैं। द फॉर्ज्ड लेटर मीन फॉर मालवेल्यू इज साइंड एज द फॉर्चून अनहैप्पी, ये भी क्वेश्चन एक अलग सा क्वेश्चन लगता है, सिंपल सा मतलब क्वेश्चन लगता है देखने में कि पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन ये मालवेल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है और द फॉर्चून अनहैप्पी को जो ये साइन करता है। क्वेश्चन मोस्टली जो है ये एसके अरोड़ा के टीजीटी पीजीटी के नहीं भी और है भी, पर यहाँ पर एक तरह से देखता है जो इन्होंने जो प्लेस के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं ना वो एक तरह से बारीकी से पूछे हैं, जो अब अगर मैं कंपेयर जैसे करती हूँ तो जैसे आपको बताऊँ मैं तो पीजीटी टीजीटी की जो इनकी बुक है एसके अरोड़ा की, वहाँ पर उन्होंने जो प्ले के अंदर इतनी बारीकी से नहीं उसमें डिपिक्ट किया है, नहीं बताया जितना कि जो इनकी ये बुक है एलटी ग्रेड वाली उसमें उन्होंने जो क्लियरली क्लियर की हैं चीज़ें छोटी छोटी बहुत ज़्यादा, सारे क्वेश्चन जो ये प्ले के अंदर से भी दिए हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न देखिए ये है कि जब एलटी ग्रेड का सिलेबस दिया गया था तो वहाँ साफ साफ मेंशन किया गया था कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, टीजीटी में पीजीटी में नहीं क्लियर होता, सारे प्ले दे दिए हैं इनके और सबको पढ़ना है आपको, लेकिन एलटी ग्रेड में ये बात अच्छी थी कि उन्होंने बता दिया था कि आपको विलियम शेक्सपियर का सोनेट नंबर 29 याद करना है पढ़ना है 138 सोनेट, और प्ले जो है मैकबेथ ट्वेल्थ नाइट मर्चेंट ऑफ वेनिस, सिर्फ तीन प्ले थे जो आपको मेनली पढ़ने थे, तो यहीं से क्वेश्चन इसीलिए इस बुक में जो है ट्वेल्थ नाइट है मैकबेथ है मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक बारीकी से क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं क्योंकि बहुत कम सिलेबस बहुत छोटा सिलेबस था, पर इस एग्ज़ाम का थोड़ा ये था कि इसका रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया कि आया कैसे किस बेस पे, थोड़ा ये था कि बस सीधे सीधे आंसर सीट ही साथ सीधे सीधे जो कैंडिडेट पास हुए हैं उन्हीं का नाम आया है, अब एक जूनियर एडेड वाला भी रुका हुआ है तो देखिए उसका रिजल्ट कब आएगा और कैसे आएगा, अभी तक तो आया नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं कि बेटर ए बिटी फूल देन ए फूलिश विट, हु स्पीक्स। ये लाइन जो है किसने कही है, फिस्टे की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 60, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, वेयर डज इट अपीयर, ये लाइन कहाँ अपीयर हुई, कहाँ की लाइन है। तो ये मैकबेथ की लाइन है, फेमस लाइन है। या मेरे सारे क्वेश्चन जो टिक टू थे, क्योंकि इसमें तो डीपली दिया हुआ है, बाकी जो टीजीटी या पीजीटी के अकॉर्डिंग है वही क्वेश्चन हम जो है पहले समझेंगे। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, हु सेड, किसने कहा है, मेलकॉम की ये लाइन है, मैकबेथ प्ले से ये क्वेश्चन बनता है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हियर इज द स्मेल ऑफ द बर्ड स्टिल, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड, हु सेड। ये लेडी मैकबेथ की लाइन है, एक बहुत फेमस लाइन है ये। इसकी जो फिगर ऑफ स्पीच भी पूछी जाती है कि ऑल द परफ्यूम्स अरेबिया विल नॉट स्वीट इन दिस लिटिल हैंड, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। और ये एग्जाम्पल मैंने फिगर ऑफ स्पीच में आपको कई बार एक्सप्लेन भी किया, बताया भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये लाइन का वेयर डज दिस लाइन अपीयर, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है। ये तो फेमस एक मुहावरा प्रोवर्ब मानी जाती है। एक कॉमन क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल विलियम, तो कौन सबसे पहले, किसका जन्म पहले हुआ है, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन बॉर्बस में, विलियम शेक्सपियर। एक इजी क्वेश्चन, और यही इजी क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल ऐसे इन्हीं ऑप्शन के साथ ऐसे एग्जाम में जो है रखा हुआ मिलता है। विलियम शेक्सपियर वाज द थर्ड चाइल्ड ऑफ, एक सिंपल क्वेश्चन और इस तरह से आने वाला क्वेश्चन, इनके माता पिता का नाम था क्या था, तो जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन। विलियम शेक्सपियर की वाइफ का क्या नाम था, ये चीज़ बताइएगा, क्योंकि इनकी वाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो कमेंट करके बता सकते हैं आप कि इनकी वाइफ का नाम क्या है। द डार्क लेडी अपेयर्स इन द सोनेट ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर के से ही रिलेटेड है डार्क लेडी। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज ओनली हीरोइंस, ये लाइन बहुत कॉमन फेमस लाइन कि शेक्सपियर के प्लेज में हीरो नहीं होते, हीरोइंस होती हैं। तो ये किसने कही, रस्किन की लाइन है। क्वेश्चन नंबर 83, द स्पीच इफ म्यूजिक बी द फूल ऑफ लव प्ले ऑन इज ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो फ्रॉम 12th लाइन, इट अपेयर्स इन कौन से एक्ट, पूछ लिया गया आपसे। तो एक्ट फर्स्ट, सीन फर्स्ट की बहुत ही फेमस लाइन है। ये लाइन भी सीधी सीधे आपसे ऐसे ही पूछ ली जाती है, जैसे क्वेश्चन यहाँ रखे हुए हैं ना, ये सब क्वेश्चन जितने भी हैं जैसे एग्जाम में रखे जाते हैं सेम वैसे ही यहाँ पर ये रखे हुए हैं। इससे कहते हैं मतलब सेट करना, ये क्वेश्चन में ये ही ऑप्शन, यही इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल देखने को मिल जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं भी होता है। तो इनके जो है एस के अरोरा की चीज़ बहुत ही मतलब खासियत है कि क्वेश्चन को इस तरह से सेट कर देते, या फिर एक यही है कि एक्सपीरियंस होता है कि उन्हें पता होता है कौन सा क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। 85 क्वेश्चन देखते हैं, द स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन्ड, एक क्वेश्चन सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाने वाला, इज अ पोर्शिया के हैं फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस से, कौन से एक्ट में हुए, एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में। मैंने आपसे ये कहा है कि रोमन अंक आपको आने जरूरी है ये कि किसको क्या बोलते हैं। तो द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंड इज ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया जो हीरोइन है उसकी है, मर्चेंट ऑफ वेनिस की। क्वेश्चन नंबर सीधा 100 पर आते हैं, हु कॉल्ड शेक्सपियर मेलिफ्लुएंस शेक्सपियर, ये किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को, थॉमस हेयरवुड। ये बुक जो है अलग से क्वेश्चन अगर देख रहे हो तो काफ़ी हेल्प कर देगी, ये मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल बुक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल मुझे लग रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और भी हैं पर उनको थोड़ा सा मुझे देखना ही पड़ेगा कि क्या कितने इंपॉर्टेंट वो लगते हैं। बाकी अगर टीजीटी का देखो तो इतने हार्ड क्वेश्चन तो आपसे पूछे नहीं जाते, ज़्यादातर सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं सिंपल से। पीजीटी वालों के लिए अलग से हो सकते हैं क्वेश्चन कुछ और भी इम्पोर्टेंट, लेकिन यहाँ स्पेशली टीजीटी का ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस की सोर्स क्या है। ये सेकंड, ये एलपेन से पेन पैक्रो ने जो आपको वर्ड याद रखना है, मर्चेंट ऑफ वेनिस याद रख लीजिएगा, बस ये वर्ड जरूर वहाँ पर मिलेगा। 12th नाइट के जो मतलब मेरा तरीका तो पढ़ने का यही था कि मर्चेंट ऑफ वेनिस
और एल पे कैरोनो, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट में मैंने सिर्फ क्या किया था, अपोलोनिस वर्ड याद कर लिया था, बस इस तरह से मैंने याद किया, क्योंकि इतनी लंबी लाइन तो मैं याद कर भी नहीं सकती, रटा रटा मुझसे जाता ही नहीं है, तो मैं तो अपने तरीके ट्रिक्स ढूंढ के रखती हूँ, उसी हिसाब से याद करती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, तो उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि इतना लंबा तो आप जो है पढ़ नहीं सकेंगे। मर्चेंट ऑफ वेनिस की जब सोर्स पूछी जाएगी तो ये वर्ड वहाँ पर आपको मिलेगा जरूर। ट्वेल्थ नाइट की सोर्स पूछी जाएगी तो अपोलोनिस वर्ड मिलेगा जरूर। मैकबेथ की सोर्स पूछी जाएगी तो वहाँ पर ये रेफेल हॉलिज शेड जो है ये वर्ड मिलेगा जरूर। तो मैं तो इन्हीं वर्ड से देखिए ये लर्न किया है और इन्हीं वर्ड से आज तक भी याद है कि क्या है MRTA और यहाँ पर ML जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का वेनिस L, इस तरह से कुछ भी तरीका अपना जो है थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ें जो है कन्फ्यूजिंग होती हैं, तो कुछ तरीके तो आपको भी सर्च करने होते हैं कि आप किस तरह से याद कर सकते हैं। यहाँ ग्लोब थिएटर के ऊपर क्वेश्चन है, देखिएगा, दिस थिएटर आर बिल्ट बाय शेक्सपियर एक्टिंग कंपनी द लॉर्ड चैम्बरलेंस मैन इन 1599। ये थिएटर जो है बिल्ट किया गया था जो शेक्सपियर की कंपनी थी, द लॉर्ड चैम्बरलेंस। इट वॉज ए राउंड वुडन स्ट्रक्चर विद बैल्कनीज फॉर द जेंट्री। इट बर्नड डाउन ऑन 29 जून 1613 को इसमें जो है आग लग गई थी। व्हाट इज द नेम ऑफ थिएटर, द ग्लोब। तो आसान क्वेश्चन ये आपके लिए होगा, भले ही इन्होंने कितना लंबा चौड़ा दे दिया हो यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे, जहाँ पर ये भी ना समझे होंगे, लेकिन ये बर्न वाला जो है कि आग किस थिएटर में लगी थी, तो हर कोई जानता है ग्लोब थिएटर जो है जल चुका था, उस पर आग लग गई थी। तो इस वर्ड से भी कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन को थोड़ा समझ जाएंगे, और इसी चीज़ को मैं बार बार कहती हूँ कि बिल्कुल होपलेस नहीं होना, कन्फ्यूज नहीं होना कि क्वेश्चन इतना लंबा क्या दे दिया कि इसे समझ, मतलब प्रेशर में आकर इसको छोड़ मत देना। सीधा सीधा यहाँ पर लिखा है कि बर्न एक वर्ड है, कोई भी आपके मतलब का वहाँ मिल जरूर जाएगा, कि क्वेश्चन कुछ भी हो कितना ही लंबा चौड़ा दे दे, लेकिन उस क्वेश्चन में कोई ना कोई एक दो वर्ड ऐसे होंगे जिनसे आप इजीली समझ सकते हो कि ये पूछ रहा कि चाह क्या रहा है। तो इतना बस अपना माइंड को सेट रखिएगा प्लीज़। हु कॉल शेक्सपियर माई शेक्सपियर एंड आस्क हिम टू राइज एज ही विल लोज दी बाय चौसर और स्पेंसर। किसने कहा है, बेन जॉनसन। हु कॉल शेक्सपियर स्वीट स्वैन ऑफ एवन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेन जॉनसन ने कहा है। हु हैज़ रिटन ए स्टोरी टाइटल द पोर्ट्रेट ऑफ मिस्टर WH, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी टिक्ड है, ये ऑस्कर वाइल्ड का है। ये क्वेश्चन वैसे ज़्यादा देखिए बनता नहीं है कि एशियन जो ऑथर है सबसे जो क्रिटिक है, एक सीधा सीधा क्रिटिक जो है जिसने आलोचना की विलियम शेक्सपियर की, वो कौन है, वो तो SC सेन गुप्ता है। एक यही क्वेश्चन एक अलग सा बनता है थोड़ा सा कि SC सेन गुप्ता है। देखिए क्वेश्चन, हु इज़ द ओनली एशियन क्रिटिक ऑन शेक्सपियर इंक्लूडेड इन शेक्सपियर क्रिटिक्स फ्रॉम जॉनसन टू एरन। कुछ भी लिख दें, इनके जो क्रिटिक हैं वो SC सेन गुप्ता हैं, एशियन क्रिटिक हैं, जो एशिया में हम भले ही इंडिया के हैं लेकिन ये एशियन क्रिटिक माने जाते हैं शेक्सपियर के। कौन, SC सेन गुप्ता। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये भी, हु रोड द व्हील ऑफ फायर, किसने लिखा है, विल्सन नाइट। ये क्वेश्चन अलग से आ जाता है, बाकी इससे रिलेशन शेक्सपियर से नहीं है। कैसे, विलियम शेक्सपियर वाज अ थर्ड चाइल्ड एंड फर्स्ट सन ऑफ जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डन। ही वाज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564 एट, और मैंने बार बार कहा है कि अपन वाला आपका सही होगा, स्ट्रेटफोर्ड अपन अवन। और क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, वैन डिड द सेकेंड फोलियो। इनके चारों फोलियो का मैंने आपसे बताया कि चारों फोल के सन याद होने चाहिए आपके। पहला 1623 का, इसका उल्टा 1632 सेकेंड फोलियो है। फिर थर्ड भी आ गया है यहाँ पर क्वेश्चन में कि थर्ड फोलियो कब हुआ था, तो 63 हो गया, और ये फिर हो जाता है 1685 फोर्थ फोलियो कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो आपके मेरे हिसाब से रटे हुए होने चाहिए, इन क्वेश्चन की तो मुझे लगता भी नहीं कि आपको ज़रूरत होनी चाहिए कि अभी नहीं पढ़ लो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते लर्न करते करते, अब तो मुझे लगता नहीं कि आप, मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए, बस कल ही एग्ज़ाम हो जाए तो आप तैयार होने चाहिए, इस तरह की आपकी तैयारी होनी चाहिए इस टाइम भी। वैन इट डिस्क्रीज विद फॉर्चून एंड मैंस आई दिस सोनेट इज, 29 का ये लाइन है। अब यहाँ पर सोनेट्स के क्वेश्चन हैं जो आपके लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखे नहीं है,
क्योंकि इतनी बारीकी से वहाँ पर 29 या 138 जो सोनेट है उसके बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। फिर विच पोएम ऑफ टी एस इलेट हैज यूज द टोन ऑफ सोनेट 29, ये थोड़ा सा है। एस वेडनेसडे जो टी एस इलेट की है तो उसमें जो टोन यूज की है सोनेट 29 जो विलियम शेक्सपियर का वहाँ से अडॉप्ट की गई है। एक तरह से एस वेडनेसडे जो टी एस इलेट का वर्क है वो सोनेट 29 पे बेस्ड है कहकर उससे मिलता जुलता है, उससे रिलेटेड या उसकी कॉपी है। विच फिगर डज शेक्सपियर यूज इन द वर्ल्ड लाई, लाई में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की है विलियम शेक्सपियर ने? पन लाइज विच मीन्स, इसीलिए मैं कह रही कि ये क्वेश्चन आपके में बनेंगे नहीं, क्योंकि ये अगर लाइव विच मीन्स दे दिया उन्होंने तो मान लिया कि इसका बोथ आर करेक्ट दे दिया, लेकिन क्या, या तो उन्हें वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि सोनेट में दिया गया विलियम शेक्सपियर में, सीधे सीधे लाई से और आपका आपसे इसका फिर या तो एंटोनियम पूछा जाएगा सिनोनियम्स पूछा जाएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर वहाँ पर जो है सोनेट से संबंधित नहीं बनेंगे आपके। मैकबेथ एंड बैंक्वेयर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जर्नल्स हैं दोनों। फ्लिंस इज द सन ऑफ बैंक्वेयर, हाउ मैनी विचेज आर इन मैकबेथ, मैकबेथ में विचेज कितनी हैं? थ्री हैं, लेकिन द फोर्थ विच एक्चुअल में थ्री विचेज हैं जो तीन वे जो क्या भूत जैसी दिखाई गई हैं इसमें, चुड़ैली जो कहते हैं वो हैं। चौथी बिच जो कहा गया है, फोर्थ बिच अगर पूछा जाए कि फोर्थ बिच किसको कहा गया है तो वो लेडी मैकबेथ को माना गया है, अदरवाइज तीन ही हैं। मैकडफ फ्लीस कहाँ भाग जाता है? मैकडफ तो इंग्लैंड। अब यहाँ पर मैकबेथ से क्वेश्चन रिलेटेड सिंपल सिंपल से प्ले पढ़ रखा है आपने, पढ़ रखा हो जरूर, किसने किसको मारा, कौन कैसे मारा, ये सारी स्टोरी यहाँ पर दे रखी है। मैकडफ फ्लीस इंग्लैंड, मैकबेथ किल्स मैकडफ्स, मैकबेथ किसको मार देता है तो ये जो वाइफ और उसके बच्चों को मार देता है मैकबेथ। हु बिकम द जो किंग कौन बनता है लास्ट में, हु बिकम द किंग इन द एंड कौन बनता है, तो मैलकॉम बनता है किंग। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, एक बार मैंने भी कोई सा एग्जाम दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया भी था। द अदर टाइटल ट्वेल्थ नाइट का जो अदर टाइटल माना जाता है व्हाट यू विल है, व्हाट यू विल, इसको याद रखेंगे। और सीनो कहाँ का ड्यूक है? एलिरिया का। द डिस्गाइज सिजोरियो कौन है? वॉयला, जो भेस बदल कर रह रही सिजोरियो के नाम से वो वॉयला है। एंटोनियो क्या है ट्वेल्थ नाइट में? एक सी कैप्टन है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, इनको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट तो देखिए है ही, अगर मैं ये सारे करने लगूँ पढ़ाने लगूँ तो स्टोरी तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ, हैमलेट, ये तीन चार प्ले तो ऐसे हैं जिनकी स्टोरी आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन, प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ अर्गन आर द स्वीटर्स टू किसकी? पोर्शिया के स्वीटर्स हैं ये। हु इज द मर्चेंट ऑफ वेनिस, कौन है मर्चेंट ऑफ वेनिस? एंटोनियो। बेसेनियो इज द फ्रेंड ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसका फ्रेंड है? एंटोनियो का। शाइलॉक कौन है? एक जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोर्शिया बिलोंग्स टू वेलमोंट, ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, पोर्शिया किससे बिलोंग करती है? वेलमोंट से। लव थॉट्स लाई रिच व्हेन कनोपाइट विद वर्ड्स, हु सेज, ये लाइन किसने कही है? तो ऑर्सिनो, ये लव वाली लाइन है जो ऑर्सिनो एक बेचारा प्रेमी बैठा है ट्वेल्थ नाइट में जिसे कोई पूछ नहीं रहा, तो इस तरह की लाइन है जो कहते हैं वो एक बॉय बोल रहा है। आपने पढ़ा भी होगा तो एक अच्छा अच्छी स्टोरी है, पढ़ने में अच्छी, मतलब इंटरेस्टेड है कि आप ऐसा नहीं कि इसे पढ़ के बोर होंगे। लव इज़ ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉलीज, ये लाइन जो कहाँ की है, किसकी है? दिस इज व्हाट जेसिका सेज इन एक्ट सेकंड सीन सिक्स में कही गई है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ही इज़ फेमस इन द राइटर, फेमस इन द राइटर, ही ट्रांसलेट शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस को किसने जो है ट्रांसलेट किया है? दुर्लभ बंधु नाम से। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो इनका मर्चेंट ऑफ वेनिस है विलियम शेक्सपियर का, उसे दुर्लभ बंधु नाम से लिखा है उन्होंने हिंदी में। वेन जॉनसन राइट सोल ऑफ द एज द एप्लॉज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिलाइट द वंडर ऑफ ओवरसी, किसके बारे में? तो विलियम शेक्सपियर के बारे में वेन जॉनसन ने लाइने कही है। यहाँ इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एल्टीग्रेट की बुक के हिसाब से हैं,
सारे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि जो पढ़ने वाले इस पे जो मतलब जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जो आपको ना पता हो, ना समझाया हो, ना आपका देखा हो। तो सारे क्वेश्चन तो आपके कहीं ना कहीं एक तरह से याद होने चाहिए इस टाइम तक। तो बाकी फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।